नमस्कार, पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत में गत 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 3116 नए मामले सामने आए, जो पिछले 676 दिनों में संक्रमण के सबसे कम दैनिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,90,991 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 38,069 रह गई है। दिसंबर महीने के अंत तक यमुना में गंदा पानी गिरना बंद हो जाएगा, क्योंकि गंदा पानी बहाने वाले सभी नालों को बंद कर दिया जाएगा और इस पानी को अवजल शोधन संयंत्र एसटीपी की ओर मोड़ा जाएगा। बीकेसी साइबर पुलिस की टीम रविवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के आवास पर कथित गैर कानूनी फोन टैपिंग मामले में उनका बयान दर्ज करने पहुंची। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर निर्मित शाही ईदगाह को हटाने की मांग करने वाली याचिका बहाल कर दी है। इस याचिका की बहाली का आदेश 17 फरवरी 2022 को पारित किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के विधायक नीतीश राणे और उनके भाई नीलेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। चीन में कोविड 19 के दैनिक मामले शनिवार को 2 साल में सबसे अधिक दर्ज किए गए। अधिकारियों ने बताया कि करीबन 2000 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से बीजिंग के 20 संक्रमित शामिल हैं। शरणार्थियों के काफिले पर रूसी गोलीबारी में एक बच्चे सहित यूक्रेन के 7 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद यह काफिला वापस लौटने के लिए मजबूर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।